चांद भाई यार एक और बात, आप जरा फिल्मी टच देते, वो भी इंडियन, जरा यार कुछ हो जाए यार। छोटा सा मौसम के हिसाब से करते हैं, केरम रमवानू, जूस पीवानू, मजा नहीं लाए। अरे कहना क्या चाहते हो? वाह माता जी, भाई शोकत कोई आया नहीं क्या? आज कोई भी नहीं है, तो बारिश की बारिश एंजॉय कर रहे हैं। अरे साकिब भाई बैठे हैं भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल कहते हैं साकिब भाई? कहाँ बैठे हो आज? तो बारिश आई हुई है सब बंदा तो। हाँ यार बारिश बहुत तेज थी, मैंने कहा यार थोड़ी थम जाए फिर कुछ करेंगे। साकिब भाई कहाँ यहाँ बैठ के मक्खियां मार रहे हो? चलो ना फिर छत पे चलते एंजॉय करते हैं। क्या बात है, मैं अकेला था, मैं अकेला क्या करूंगा आज? काम बंद है, काम बंद है। चलो हाँ तो साकिब भाई छत पे आ गए हम। हाँ यार अनस भाई अच्छा हुआ आप आ गए, अब मैं तो यही देख रहा था कि बारिश बहुत तेज थी, तो क्यों ना अब हम लोगों को भी दिखाएं भाई, ये देखें कि सड़कें अभी कुछ देर पहले इंतहाई दर्जे की थी, पानी आबशार की तरह मेरा था। अभी की सिचुएशन दिखा दूं? बिल्कुल दिखाएं। अबे भाई पानी कहाँ गया? आप छत पे भी दिखाएं, छत पे भी पानी है, बारिश का सबूत ये देखें। बिल्कुल पानी है भाई, नीचे सड़कों पे नहीं है। अभी छत का पानी नहीं सूखा, लेकिन आप सड़कों का देखें, ये सड़कों पे। तो क्या वजह साकिब भाई? यहाँ तो अपना क्या कहते हैं, शहर में थोड़ी बहुत बारिश आ गई तो बसें दे रही थी। पूछने की बात है, निजाम निजाम निजाम, एवरी सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम भाई। ये तो हो गई मेरी बात। अभी अनस भाई जो है ना, ये रिसेंटली पाकिस्तान टूर करके आ रहे हैं, और ऐसे मानसून के सीजन में सारे पाकिस्तान का हाल वाल लेता हूँ, फिर उसके बाद भेड़िया की बात होगी। जी अनस भाई रहे थे आप? भाई गए थे हम लोग बाबूसर टॉप के लिए जाना था, लेकिन हम नारायण से ही वापस आ गए। इतना महंगा किया हुआ है ना कि क्या करे बंदा, ना हाथ लगाने के भी पैसे, हर चीज के पैसे भाई। बंदे ऐसे इतने हार्ड हुए हैं कि 10,000-20,000 होटलिंग के रेट है। तो हम तो गर्मी से बेजार हो गए, यहाँ से गए थे शहर से, तो वहां हमने देखा वहां मौसम अच्छा था, सब कुछ अच्छे थे, लेकिन लोग अच्छे नहीं थे भाई। कहीं बहुत कम लोग अच्छे मिले, जो कुछ हमें सही लोग मिले वो हमें कश्मीर में मिले, उसमें यहाँ के अच्छे लोग थे। उसके अलावा गर्मी से तंग थे हम, तो नहरों में जाके नहा के आए और इंजॉय करके आए अपना। फिर अभी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ आए और डायरेक्ट हमें बारिश मिल गई। तो अभी आप अभी ऑफिस आए तो कोई था ही नहीं, तो हमने कहा भाई चलो कोई छत पे ही आके रिव्यू करते हैं, इतनी तेज बारिश आई है। तो यहाँ देखा भाई बहुत अच्छा लगा, अपनी पर्सनल राय, यहाँ जो निजाम है बारिश का बहुत अच्छा है, यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरता और चला जाता है। तो अगर इंजॉय हम करते हैं तो इसी बारिश में आके हम करते हैं। अचानक एक और बात बताएं, इतना टूर कर, अरे मैं तो छलांग मारने जा रहा था। नहीं था कि आप टूर वोर करके आए, कोई वीडियो बनाई है? नहीं बनाई, आवाम को दिखाएं कहाँ घूम फिर के आते भाई। भाई हमारा था कराची टू नारायण, नारायण नहीं, वीडियो है भाई, वीडियो है तो वीडियो वीडियो बिल्कुल है हमारे पास, अभी शॉर्ट क्लिप है, उसको आपसे ही मैं अपलोड करवाऊंगा, उसकी ना सारी एडिटिंग आपसे करवानी। अभी फिर काम तो कोई है नहीं आज ऑफिस में, आज सब छुट्टी करके बैठे हुए। मेरी भी अच्छी खारी खाची अपना क्या कहते हैं बायरी गेरी थी कि आज ना जाओ ऑफिस में, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई आज तो बहुत सारे में होंगे, आज तो जाना है, आज तो काम होगा। देखता हूँ तो ऑफिस में कोई नहीं, यहाँ तक के लिफ्ट भी बंद। यार साकिब भाई मैं तो वैसे ही पता चलता हूँ आ रहा हूँ यार, अपना फ्लोर भी ऊपर वाला है ना, तो आठवां। यार मुझे असल में ऐसे लगता है कि लोगों के आने की बजाय पानी शहर में भी हो सकता है बारिश। मैंने अपने स्टाफ वालों को 2-3 फोन किया बंदों को, तो वो यही कहने के बारिश हो गई, तो यहाँ तो ये हिसाब है बारिश हो गई तो बंदा एंजॉय करता हुआ आ जाता है। जिस वक्त मैं निकला था घर से उस वक्त धूप थी, शॉप पे पहुंचा और आते आते ऑफिस ऑफिस में भी और बारिश शुरू थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ, तो मेरे मुझे यही लग रहा है कि बारिश की वजह से साफ नहीं है। तो बस यहाँ बारिश की वजह से भाई ये सबसे ज्यादा बड़ा मसला है कराची में। बारिश हो गई तो बंदे समझते हैं भाई आज काम की छुट्टी है, लेकिन हम यहाँ बहरिया टाउन में ऐसा कुछ नहीं है, बारिश होती है तो हम और इन्जॉय करते हुआ काम पे आते और अपना काम पूरा करके फिर यहाँ से घर जाते हैं। तो एक आखिरी नजर दिखा दें, इतनी तेज बारिश हुई थी उसके बाद ये सब पानी सूख गया, जो पिछली वीडियो में हमने कहा था कि ये सारा पानी जाता है डैम के अंदर। तो ये देख लो भाई, ये डिजाइन ही ऐसा किया हुआ है कि यहाँ पानी खड़ा होता ही नहीं है, बिल्कुल अपना ले में जाके पूरा वो डैम में चला जाता है, फिर हमें यूज करने को मिलता है। भाई ये मैं बैरिया की तारीफ नहीं कर रहा, मैं वो इंजीनियरों की तारीफ कर रहा हूँ जिन्होंने ये डिजाइन किया है। बैरिया ने तो करवाया,
और वो जो कि सामने अगर आपको एक्स्ट्रा पानी दिख रहा हो वो रिमूव कर रहे वो हो। देखें हाथ से हाथ बिल्कुल, हालांकि ये ना भी करें तो इनको कोई फर्क ना पड़े। ये वो रोड है जहां से गाड़ियां नहीं गुजरती, इस रोड से गाड़ियां गुजरती हुई थीम पार्क वाला जो जिना है ना, मेन जिना एवेन्यू, वहां चली जाती है। ये मिडवे बी को जा रहा है रोड, ये कनेक्ट होता है वहां घड़ी वाला जो बॉस वाला पॉइंट है ना वहां पर। इस तरफ बैरिया हाइट्स है, इस तरफ आपका प्रीसेंट 17 है, पीछे फार्म हाउस वगैरह वाला पट्टा है। तो ये अगर ना भी करे बंदा तो कोई जी फर्क नहीं पड़ना, लेकिन ये बंदा फिर भी करता है। जी दोस्तों, ये देखें इतना पानी तो कोई मायने ही नहीं रखता, ये तो खुद सूख जाता है, लेकिन यहाँ की इंतजामिया आप खुद देख सकते हैं कि हमारे शहरों में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती। चाहे 5 5 4 4 फीट पानी खड़ा हो, वहां कोई इंतजाम नहीं होता। ये देखें, ये मेरा ख्याल से 1 फीट पानी भी नहीं है और यहाँ मशीन भी काम पर है। क्या कहते हैं? भाई मुझे तो वो वाला जेठालाल वाला स्टाइल याद आ रहा है, उसकी बी वाला, ए वाह माता जी। अगर शहर में होता तो ये हाल होता, लेकिन यहाँ पर हूँ तो ये हाल नहीं है। यहाँ हम एंजॉय कर रहे हैं बारिश का और मजा कर रहे हैं, भले कोई ऑफिस में आया नहीं आया, लेकिन हम अपने ऑफिस में पहुंचे हुए, क्योंकि हम यही रहते हैं, हमारा घर यही है, तो हमें आने में कोई दुश्वारी नहीं है। तीन चार जो हमारा स्टाफ है वो उन्होंने यही सेम बात की कि बारिश है तो हम आ ही नहीं सकते भाई। तो बारिश से नहीं आ सकते तो आपके काम पे फर्क पड़ना है, तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट यही है कि आप काम पे नहीं आ सकते। तो मैं एडवांटेज कहूंगा कि अगर बंदा यहाँ आके रहता है ना तो वो सब चीजें सब मौसम एंजॉय करता है, डिसअपॉइंट नहीं होता, अपने घर पे जाके फजूल बैठता नहीं। तो बस ये मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा साकी भाई। अच्छा आनंद भाई यार, एक और बात, आप जरा फिल्मी टच देते, वो भी इंडियन, जरा यार कुछ हो जाए यार। छोटा सा मौसम के हिसाब से करते, कैरम रमवानू जूस पीवानू, मजा नहीं लाए यार। ये तो मुन्ना भाई में सुना सुना लग रहा है। वाह वाह मुन्ना भाई, बाबा के तो फैन है ना यार हम बहुत बड़े। अरे उस्ताद, वहां मुन्ना भाई था या अन्ना भाई है? एक नंबर एजाजान। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हम आपको दिखा रहे हैं वो रियलिटी है। आप अपनी कैमरे की आँख से, हमारी आँख से आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये मत समझिएगा हम हर रोज छत पे आके आपको दिखाते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में मैं आपको सड़कों पे और गलियों में भी लेकर गया था, और आपने बखूबी देखा था, और उस दिन भी बहुत तूफानी बारिश थी, लेकिन रोड वही चमचमा रहे थे, कोई पानी नहीं था, बस हल्के से गीले थे। अगर वो व्लॉग नहीं देखा आपने तो आई बटन पे उसका लिंक मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये था हाल हवाल एरिया टाउन का बारिश के बाद। आज फिर क्योंकि मूनसून सीजन है, आप कह रहे होंगे यार मैं बारिश पर बात कर रहा हूँ, तो मूनसून सीजन है यहाँ तो एरिया टाउन में, तो अल्लाह की कुदरत ज्यादा मेहरबान है कि यहाँ बात बात पे बारिश होती है, लेकिन यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। अगर आप भी चाहते हैं कि बैरिया टाउन में आपकी अपनी प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट करना मत भूलें। हमारा एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर आप चाहें तो हमसे रब्ता। अल्लाह हाफिज़।